हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बनेगा सुपारी बिजनेस में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा। आप देखो, होलसेल में करेगा या रिटेल में करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, बिजनेस आप कर रहे रिटेल या होलसेल, बीटेल नट का या सुपारी का जो बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस में आपको प्रॉफिट मार्जिन कितने रहने वाला है, ये देखो। ये मार्केट बेसिस होता है, एक आप कहाँ से खरीद सकते हैं ये भी मैटर करता है इसमें। तो मैं देखो, सुपर बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, यही आज का वीडियो का विषय है। ठीक है, तो देखो, दो प्रकार में बिजनेस होती है। क्या होती है? आप रिटेल भी कर सकते हैं, रिटेल बिजनेस, सुपारी का रिटेल बिजनेस कर सकते हैं या सुपारी का होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, होलसेल बिजनेस में डिफरेंस क्या है या रिटेल बिजनेस में डिफरेंस क्या है, एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। तो पहले बताता हूँ आपको रिटेल सुपारी बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा। देखो, रिटेल सुपारी बिजनेस जो आज कर रहे हैं आप, तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखो, रिटेल में आपका कितना प्राइस है, आप मार्केट में, जो मार्केट में काम कर रहे हैं लोकल मार्केट में, तो उसमें कितना प्राइस है ये आपको तो आप ऑलरेडी जाना है। लेकिन आप जो कर रहे हैं रिटेल में, तो रिटेल में आप कर रहे हैं तो आपको आधा किलो, 500, 1 किलो, 100 ग्राम ऐसा सेल करते हैं ना रिटेल में, तो लोग कम कम ही माल लेते हैं, होलसेल में ज्यादा माल लेते हैं। तो देखो, आप रिटेल में जब लेते हैं तो आप कहाँ से लेते हैं? आपका जो होलसेलर है, आपका मार्केट में बड़ा होलसेलर बैठा है, उसका पास आप खरीद सकते हैं और रिटेल बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि आप जहां से ले रहा है उसका रेट क्या है और आपका रिटेल रेट क्या है, उसमें कितना डिफरेंस है। पकड़ लो, आपका जो होलसेलर है 500 रुपया किलो आप ले लिया, तो आप बेच सकते कि 520 या 550, आपका रिटेल में कितना चल रहा है। देखो, और भी तो बहुत सारे लोग रिटेल में कर रहे हैं ना, आपका मार्केट में, आप जहां जो मार्केट में बिजनेस कर रहा है उस मार्केट में ऑलरेडी और भी बहुत सारे लोग है कि रिटेल बिजनेस कर रहा है। तो आपको पता करना पड़ेगा जो लोग रिटेल ले रहा है या जो लोग रिटेल दे रहा है उसके साथ बात करके कि कितना में ले सकते हैं और कितना में वो बेच सकते हैं, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। तब तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम रिटेल बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। देखो, एक लोग पहले से सुपारी का रिटेल बिजनेस कर रहा है, कहाँ से लेते हैं? आपका लोकल मार्केट में जो होलसेलर है उसके पास लेते हैं, तो 500 रुपया ले लिया उसका पास और 520 में बेचता है या 550 में, पकड़ लो 550 में बेचता है। ठीक है, तो 550 में बेचता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 50 रुपया। ठीक है, 500 में लेते हैं, 550 में बेचते हैं, 50 रुपया है प्रॉफिट मार्जिन। इसमें और क्या क्या खर्चा है? ट्रांसपोर्ट खर्चा है या कि आप लेके आएगा खुद की, वो कितना खर्चा है, ये तो उसका माइनस करना पड़ेगा 50 रुपया से। पकड़ लो 5 रुपया उसको खर्चा हो गया, तो आपको 45 रुपया प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप सोच, आपको ये बात पता चल गया तो आप कितना है, आप देखो, आप 40 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रखो, है ना। देखो, वो लोग 45 रुपया रख रहा है, आप लोग 40 रुपया रखो। ठीक है, आपको पता करना पड़ेगा, जब पता करेगा तब भी आप ऐसा बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और अभी बताता हूँ कि होलसेल में आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। देखो, होलसेल बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है या ऑल ओवर इंडिया, आप लोकल बेसिस आप कैसे कर सकते हैं। होलसेल सुपारी बिजनेस में क्या होती है? देखो, होलसेल सुपारी बिजनेस में आप मार्केट रिसर्च या आप देखो, अब मार्केट रिसर्च मतलब होलसेल में जो कर रहा है आपका मार्केट में या जहां जहां आप होलसेल कर सकते हैं, कि लोकल में कर सकते हैं तो आपका लोकल मार्केट और ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं तो ऑल ओवर इंडिया का मार्केट, ये कैसे पता करना पड़ेगा। देखो, लोकल मार्केट जो होता है वो तो आपको खुद ही जान लिया कि आपका मार्केट में इतना होलसेल में चल रहा है, तो आप कैसे पता करेगा कि आप महाराष्ट्र से बिजनेस कर रहे हैं तो तमिलनाडु से कितना प्राइस चल रहा है, ये आपको पता करना नहीं चाहिए कि आपका लोकल मार्केट में जो है ना वही पता कर लिया तो आपको हो जाएगा बिजनेस। ठीक है, देखो, दो नंबर में बताएगा कि कहां से आप सुपारी खरीद सकते हैं होलसेल में। देखो, आपका जो मार्केट में होलसेलर है वो भी एक होलसेलर है और आप भी एक होलसेलर है,
तो वो होलसेलर कहाँ से खरीद सकते हैं, ये आपको तो नहीं बोलेगा वो लोग। तो आप क्या कर सकते, आप कहाँ से लेगा सुपारी, वो लोग जो बेच रहा है उससे थोड़ा सा तो कम लेना ही पड़ेगा आपको। उसका साथ तो आपको कंपटीशन करना है ना, जो लोग आपका मार्केट में जो लोग होलसेलर कर रहा है तो उसका साथ कंपटीशन करना पड़ेगा आपका। कंपटीशन करने के लिए देखो, वो लोग जितना रेट में ले रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ से ले रहा है ये लोग। तो ये आपको थोड़ा सा जानकारी लेना ही पड़ेगा कि कहाँ से ले रहा है, कहाँ से आएगा, इसमें असम से आएगा या कर्नाटक से आएगा या कुछ अलग कंट्री से आएगा, कहाँ से आएगा ये आपको पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता करेगा, ये है गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी है सोशल मीडिया या इंडिया मार्ट वेबसाइट है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ट्रेड इंडिया, ठीक है, गूगल में बीटेल नाट होलसेलर लिख के सर्च करेगा तो बहुत सारे सेलर मिलेगा आपको, या फोन नंबर भी मिलेगा, तो उसके साथ बात करके आप पता कर लो कि इतना प्राइस है वहाँ, असम में इतना है, कर्नाटक में यहाँ इतना है, महाराष्ट्र में इतना है, पता कर लो, ठीक है। और होलसेल में आप सुपारी बेच सकते हो। देखो होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन रहेगा कितना, होलसेल में आप जो बिजनेस करते हैं होलसेल में थोड़ा प्रॉफिट कम रहेगा, या सेल ज्यादा होगा प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। देखो रिटेल में आपको 40 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, तो होलसेल में आपको 10 या 15 रुपया या 20 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, आपका लोकल मार्केट में जो होलसेलर ऑलरेडी है, सुपारी तो आपका मार्केट में है ना, ऑलरेडी चल रहा है, तो देखो आप भी एक होलसेलर का सुपारी होलसेलर बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं, सोच रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, फास्ट आपका लोकल मार्केट रिसर्च, आपका लोकल मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि इस मार्केट में कहाँ से सुपारी आती है, कितना प्राइस में बेचते हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। दो है, आप कहाँ से लेगा, आपका लोकल मार्केट में नहीं लेना चाहिए आपको, जहाँ गार्डन होता है, जहाँ प्रोसेसिंग होता है, जहाँ फैक्ट्री होता है, वहां से आपको खरीद सकते हैं, मतलब लेना पड़ेगा, तब तो आप होलसेल कर सकते हैं ना, आपका मार्केट में कंपटीशन में टिक पाएगा, नहीं तो आप नहीं पाएगा। कि देखो आप जो रेट में बेच रहे हैं उसका 10 रुपया कम में आप कल मार्केट में जो होलसेलर है वो दे दिया, तो आपका पास कोई आएगा नहीं ना, आपका बिजनेस लो हो जाएगा, नहीं चलेगा ऐसा। तो ये सोचना पड़ेगा कि आप होलसेल जब करेगा तो आपको एकदम गार्डन से या फैक्ट्री से लेना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी गार्डन से लेना है, ज्यादा देखो फैक्ट्री से लेना है तो आपको क्वांटिटी ज्यादा लेना है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि होलसेल बिजनेस, ठीक है। और रिटेल में लोग कितना लेते हैं, जो लोग रिटेल करते हैं 1 बोरा 2 बोरा लेकर रिटेल करते हैं, अब होलसेल करते हैं तो देखो 500 किलो, 1 टन 2 टन 4 टन ऐसा माल लेके होलसेल कर सकते है ना। देखो हमारे पास भी सुपारी मिलेगा होलसेल में, हमारा वेस्ट बंगाल में हमारा घर है, असम में आपको सप्लाई होती है, ठीक है। अभी बहुत गिर गया रेट, तो आप चाहे तो मेरा साथ भी ले सकते हैं, हमारे पास भी सुपारी, ओके। ये आपको पता करना पड़ेगा तब भी आप होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन रख पाएगा 10 या 20 रुपया। आपको देखो एक लोग पर डे 10 केजी सुपारी बेचता है रिटेल में, तो 40 रुपया प्रॉफिट, 10 किलो, 10 किलो में 40 रुपया प्रॉफिट कितना होती है आप डिसाइड कर लो। और अब होलसेल में पर डे 200 केजी बेचता है 20 रुपया प्रॉफिट में, तो आपका कितना प्रॉफिट होता है ना, 200 × 20 कितना होती है, और 40 × 10 पता कर लो, होलसेल में कितना प्रॉफिट है, रिटेल में कितना प्रॉफिट है, मतलब रिटेल में करने के लिए जो पूंजी कम लगेगा, होलसेल में करना पड़ेगा तो आपको पूंजी ज्यादा लगेगा, ठीक है। और इस बिजनेस में क्या क्या लाइसेंस चाहिए, देखो आपको ट्रेड लाइसेंस तो चाहिए पहले, और होलसेल में रिटेल में जस्ट ट्रेड लाइसेंस में ही हो जाएगा, और होलसेल में चाहिए आपका ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस, जीएसटी नंबर, ये तीनों तो लेना ही पड़ेगा होलसेल में जब करेगा, ओके। देखो हमारे पास 3 क्वालिटी का सुपारी मिलती है, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये है सबसे अच्छा वाला, बहुत लोग मैंगलोर से कहते हैं, बहुत बहुत सारे नाम कहते हैं, ठीक है, ये एक नंबर है। ये बर्मा का सुपारी है, ये बर्मा फाली कहते हैं,
और ये है सबसे लो प्राइस का सुपारी। ओके, और एक बार फाइनली आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा। देखो, प्रॉफिट मार्जिन मैंने बोला था रिटेल में 40 रुपया, होलसेल में 20 रुपया, ठीक है। ये तो कोई आसानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से रख सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन प्रोफेशनली जितना रहेगा, होलसेल में आपको 50 से 200 तक प्रॉफिट मार्जिन रहेगा आपका, मार्केट हिसाब से। आपका मार्केट में जितना कंपटीशन है उतना कम रहेगा प्रॉफिट मार्जिन, जितना कंपटीशन लो है उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा आपको। ये रिटेल हो या होलसेल हो, सबके लिए एक ही तरीका है, ठीक है। मार्केट में जितना कंपटीशन है उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, और जितना कंपटीशन ज़्यादा है कम रहेगा प्रॉफिट मार्जिन, और कंपटीशन कम है तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये 50 से 200 रुपया होलसेल में रहेगा, और आपको रिटेल में 100 से 200 रुपया रहेगा, मिनिमम 100 रुपया 80 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रहेगा लोकल बेसिस, जो रिटेल में कम कर रहेगा। ओके, तो देखो आप सुपारी चाहिए, प्रोफेशनली चाहिए तो तब मेरे को फ़ोन करिए। आपको प्राइस पता करने के लिए मत फोन करो, ठीक है। जब आपको सुपारी चाहिए कि हमारा बिजनेस करना है, बहुत इंटरेस्ट है, हमारा इधर रेट है 500 रुपये, हमारा इधर 400 रुपये में आपको दे देते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप इंटरेस्ट है तब फोन करिए, कि बेकार मत फोन करो, बहुत सारी फोन आती है। ओके, आप इंटरेस्ट है तो फोन करिए, और बिजनेस करना चाहता है तो फोन करिए, प्राइस पता करने के लिए मत फोन करो, हमारा रिक्वेस्ट है। ओके, चलो, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।